दुनिया भर के कोने कोने से मॉथमैन, आउलमैन, लिजर्डमैन, गॉडमैन जैसे विचित्र शैतान या खूंखार दैत्य को देखने की खबरें आती रहती हैं। इनके साथ डरावनी और रहस्यमय कहानियां जुड़ी हुई हैं। इन्हीं डरावने जीवों में से आज हम विंडिगो के बारे में बात करेंगे। विंडिगो यानी कि इंसान में से बना ऐसा शैतान जो ना तो जिंदा है और ना ही मृत। विंडिगो एक नरभक्षी शैतान है जिसकी कहानियां वेस्टर्न कल्चर में बहुत प्रचलित है। खास करके नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में इनके बारे में ज़्यादा बातें की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि वर्षों पहले एक कबीले में बहुत ही भयंकर भूखमरी फैल गई थी। इस भयानक भूखमरी के कारण लोग सब कुछ भूलकर एक दूसरे को ही मारकर खाने लगे, जिसके कारण उस कबीले के देवताओं ने उन्हें श्राप दिया और उसके कारण ही विंडिगो का जन्म हुआ। प्रचलित कहानियों के अनुसार विंडिगो की लंबाई 10 से 12 फुट की होती है। उसका शरीर बहुत ही पतला होता है। उसकी त्वचा और बालों का रंग सफ़ेद होता है। इस भयानक दैत्य के दांत बहुत ही नुकीले होते हैं। उसके हाथ बहुत ही लंबे होते हैं जिससे वो मनुष्यों का शिकार करता है। उसके मुंह से सड़े हुए मांस की बदबू आती रहती है। दुबला पतला शरीर होने के बावजूद वो बहुत ही शक्तिशाली और तेज गति से दौड़ता है। उसमें ऐसी रहस्यमय शक्ति होती है जिससे वो किसी भी प्राणी या मनुष्य के जैसी आवाज़ निकाल सकता है। इस दैत्य को ज़्यादातर अमेरिका और कनाडा के जंगलों के आसपास दिखाई देने की खबरें आती रहती हैं। कहा जाता है कि विंडिगो की भूख कभी नहीं मिटती है और उसे इंसानों का मांस खाना बहुत ही पसंद है। वो शिकार को उसकी गंध से पहचान लेता है। किंवदंतियों के अनुसार विंडिगो को मारने का एक ही तरीका है और वो यह है कि उसके दिल में चांदी के हथियार से छेद कर दिया जाए। हालांकि सिर्फ इतना करने से वो पूरी तरह मरेगा नहीं, उसके शरीर को जलाना भी पड़ेगा। विंडिगो का शिकार करने वाले लोगों को शमन के नाम से जाना जाता है जो ये काम करते हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार विंडिगो साइकोसिस नाम की बीमारी वाले असरग्रस्तों को दूसरे इंसानों का मांस खाने की तीव्र इच्छा होती है। ये मुमकिन है कि भूतकाल में इसी बीमारी से ग्रस्त लोगों को ही विंडिगो कहा जाता हो। आपको क्या लगता है, विंडिगो सच में होते हैं? कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।